हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सन स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1991 के टॉप एक्टर्स के बारे में, यानी 1991 में हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर जिन जिन मूवीज में काम किए हैं और उन मूवीज ने जो कलेक्शन किए हैं, तो कलेक्शन के एतबार से कौन सा स्टार टॉप पर रहा। आज की इस वीडियो में हम यही तफसीलात आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और आज की इस वीडियो के लिए हमने 14 सुपरस्टार एक्टर्स को चुना है, जिनमें से आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन सर, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल और विनोद खन्ना शामिल हैं। प्रीवियस वीडियो यानी 1990 में मिथुन दादा सबसे टॉप पर रहे थे, तो देखते हैं कि 1991 में कौन सा एक्टर कलेक्शन के हिसाब से टॉप कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम एक्टर्स की तमाम मूवी जो कि 1991 में रिलीज हुई थी, उनके कलेक्शन के एतबार से और वर्ल्ड के एतबार से आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं आमिर खान की। तो 1991 में आमिर खान दो मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से अफसाना प्यार का और दिल है के मानता नहीं, ये दो मूवीज़ रिलीज हुई थी 1991 में आमिर खान की। अफसाना प्यार का ये फिल्म 1,80,00,000 के कलेक्शन करके एवरेज रही। दिल है के मानता नहीं ये फिल्म 4,10,00,000 के कलेक्शन करके सुपरहिट साबित होती है। तो 1991 में आमिर खान की टोटल मूवीज़ कुल मिलाकर 5,90,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और भी अगर बात करें जैकी श्रॉफ सर की, तो 1991 में वो 5 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से हफ्ता बंद, अकेला, लक्ष्मण रेखा, इज्जत और 100 डेज, ये 5 मूवी शामिल हैं। हफ्ता बंद मूवी 1,80,00,000 के कलेक्शन करके बिलो एवरेज साबित हुई। अकेला मूवी 3 करोड़ के कलेक्शन करके भी फ्लॉप साबित होती है। अमिताभ बच्चन स्टार इस फिल्म का बजट ही काफ़ी हाई था। लक्ष्मण रेखा मूवी 1,10,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है। इज्जत मूवी 3,45,00,000 के कलेक्शन करके सीमे हिट साबित होती है। और 100 डेज ये फिल्म 3,50,00,000 के कलेक्शन करके ये भी सीमे हिट फिल्म साबित होती है। तो इस तरह 1991 में जैकी श्रॉफ की रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ यानी 5 मूवीज़ कुल मिलाकर 12,85,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और अगर बात करें गोविंदा सर की, तो 1991 में गोविंदा सर की भी 5 मूवीज़ रिलीज हुई थी, जिनमें से कौन करे कुर्बानी, रईस ज़ादा, कर्ज चुकाना है, भाभी और हम जैसी बड़ी मूवी शामिल थी। बात करें कौन करे कुर्बानी की, तो ये फिल्म 1,10,00,000 का कलेक्शन करती है और डिज़ास्टर साबित हुई। रईस ज़्यादा 80,00,000 के कलेक्शन किए और डिज़ास्टर रही। कर्ज चुकाना है 1,05,00,000 के कलेक्शन किए, फ्लॉप रही। भाभी मूवी 1,10,00,000 के कलेक्शन किए और फ्लॉप रही। और बात करें हम फिल्म की, तो ये फिल्म 9,75,00,000 के कलेक्शन करती है और एक सुपरहिट फिल्म साबित होती है। तो कुल मिलाकर 1991 में गोविंदा सर की ये 5 मूवीज़ 13,80,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और व्यूअर बात करें अमिताभ बच्चन सर की, तो 1991 में बिग बी की 4 मूवीज़ रिलीज हुई थी, जिनमें से अजूबा, अकेला, इंद्रजीत और हम शामिल थी। बात करें अजूबा मूवी की, तो ये फिल्म 3,80,00,000 का कलेक्शन करके डिज़ास्टर साबित हुई। अकेला मूवी 3 करोड़ के कलेक्शन किए, फ्लॉप रही। इंद्रजीत मूवी 3,20,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है। और हम मूवी 9,75,00,000 के कलेक्शन करके सुपरहिट साबित होती है। तो इस तरह कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन सर की ये 4 मूवीज 19,75,00,000 का कलेक्शन करती है 1991 में। और भी और वीडियो में बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिनका डेब्यू हुआ था 1991 में और पहले ही साल उनकी 2 मूवीज रिलीज हुई, सौगंध और डांसर। सौगंध मूवी 1,40,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है और डांसर मूवी 1,55,00,000 के कलेक्शन करके ये फिल्म भी फ्लॉप साबित होती है। तो कुल मिलाकर अक्षय कुमार की ये दोनों मूवीज 2,95,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अजय देवगन की। तो 1991 में अजय देवगन का भी डेब्यू हुआ था और एक ही फिल्म उनकी इस साल रिलीज हुई थी, फूल और कांटे। और ये फिल्म 6,70,00,000 का कलेक्शन करके सुपरहिट फिल्म साबित होती है। और टोटल कलेक्शन भी साल 1991 के अजय देवगन के 6,70,00,000 ही बनते हैं। और जितेंद्र सर की बात करें, तो 1991 में जितेंद्र सर की 4 मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से शिवराम, सपनों का मंदिर, रणभूमि और माँ जैसी मूवीज शामिल थी। शिवराम मूवी 90,00,000 का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित होती है। सपनों का मंदिर ये फिल्म 1,70,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। रणभूमि मूवी 1,35,00,000 के कलेक्शन किए और ये भी फ्लॉप रही। और माँ मूवी 2,10,00,000 के कलेक्शन की और इस फिल्म को हिट फिल्म का स्टेटस दिया गया। तो इस तरह जितेंद्र सर की 1991 में रिलीज होने वाली 4 मूवीज़ कुल मिलाकर 6,05,00,000 के कलेक्शन करती है।
तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं धर्मेंद्र सर की। तो 1991 में धर्मेंद्र सर 6 मूवीज का हिस्सा रहे, जिनमें से मस्त कलंदर, कोहराम, फरिश्ते, कर्ज चुकाना है, पापी आंधी और दुश्मन देवता। ये 6 मूवीज रिलीज हुई थी उनकी 1991 में, जिसमें से मस्त कलंदर 1,50,00,000 के कलेक्शन की फ्लॉप रही। कोहराम मूवी 1,95,00,000 का कलेक्शन किया, फ्लॉप रही। फरिश्ते मूवी 3,30,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है। कर्ज चुकाना है 1,05,00,000 के कलेक्शन की, ये भी फ्लॉप रही। बाप की आंधी ये फिल्म 1,50,00,000 के कलेक्शन करके ये भी फ्लॉप साबित होती है। और दुश्मन देवता ये फिल्म भी 1,10,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है। तो इस साल धर्मेंद्र सर की रिलीज होने वाली 6 की 6 मूवीज़ फ्लॉप रहती है और कुल मिलाकर ये मूवीज़ 10,40,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और व्यूअर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सलमान खान की। तो 1991 में सलमान खान की 5 मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से कुर्बान, साजन, लव, पत्थर के फूल और सनम बेवफा शामिल थी। कुर्बान मूवी 2,00,00,000 के कलेक्शन करके एवरेज साबित होती है। साजन 10,00,00,000 के कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर रही। लव मूवी 2,50,00,000 के कलेक्शन करके भी फ्लॉप साबित हुई। पत्थर के फूल ये फिल्म 1,25,00,000 के कलेक्शन की और फ्लॉप करार दी गई। सनम बेवफा ये फिल्म 5,75,00,000 के कलेक्शन करती और एक सुपरहिट फिल्म साबित होती है। तो इस तरह 1991 में सलमान खान की 5 मूवीज़ कुल मिलाकर 21,50,00,000 का कलेक्शन करती हैं। और व्यूअर वीडियो को मैं आगे बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जो कि 1990 के टॉप नंबर 1 एक्टर साबित हुए थे। तो 1991 में इनकी 7 मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से नंबरी आदमी, प्यार का देवता, शिकारी द हंटर, प्यार हुआ चोरी चोरी, प्रतिज्ञा बंद, त्रिनेत्र और स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। ये 7 मूवीज रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की 1991 में। नंबरी आदमी 1,15,00,000 का कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। प्यार का देवता ये फिल्म 2,85,00,000 का कलेक्शन की और सीमी हिट साबित हुई। शिकारी द हंटर ये इंडोनेशिया जॉइंट प्रोडक्शन थी, ये फिल्म 1,85,00,000 का कलेक्शन करती है और इस फिल्म को बिलो एवरेज मूवी का स्टेटस दिया जाता है। प्यार हुआ चोरी चोरी ये फिल्म 1,30,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। प्रतिज्ञा बंद ये फिल्म 1,80,00,000 के कलेक्शन करती है और एवरेज साबित होती है। त्रिनेत्र मूवी 2,00,00,000 के कलेक्शन करके हिट साबित होती है। और स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ ये फिल्म 1,80,00,000 के कलेक्शन करके एवरेज साबित होती है। तो इस तरह 1991 में मिथुन चक्रवर्ती की 7 मूवीज कुल मिलाकर 12,75,00,000 का कलेक्शन करती है, जो कि साल 1990 के मुकाबले में काफ़ी कम है, क्योंकि 1990 में 23,00,00,000 से भी ज़्यादा कलेक्शन करती हैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज़। और भी और बात करते हैं विनोद खन्ना सर की। तो 1991 में वो 4 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से फरिश्ते, खून का कर्ज, धर्म संकट और गरजना वगैरह शामिल हैं। तो फरिश्ते मूवी 3,30,00,000 का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है। खून का कर्ज ये फिल्म 3,10,00,000 का कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। धर्म संकट ये फिल्म 1,60,00,000 के कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। और गरजना ये फिल्म 1,60,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म भी फ्लॉप साबित होती है। तो 1991 में विनोद खन्ना सर की रिलीज होने वाली 4 मूवीज फ्लॉप रहती है और उनकी 4 मूवीज कुल मिलाकर 9,60,00,000 का कलेक्शन कर पाती हैं। और व्यूअर 1991 में अनिल कपूर की मूवीज़ की बात करें तो इस साल उनकी 4 मूवीज़ रिलीज हुई, जिनमें से बेनाम बादशाह, जिगरवाला, प्रतिकार और लम्हे मूवी शामिल थी। बेनाम बादशाह ये फिल्म 3,15,00,000 का कलेक्शन करके एवरेज रहती है। जिगरवाला 1,00,00,000 का कलेक्शन करके डिजास्टर रहती है। प्रतिकार ये फिल्म 1,80,00,000 का कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। और लम्हे मूवी 3,25,00,000 का कलेक्शन करके भी फ्लॉप साबित होती है। और लम्हे ये अजय देवगन की डेब्यू मूवी फूल और कांटे से क्लैश होती है और उसके मुकाबले में ये फ्लॉप साबित होती है। तो अनिल कपूर की 1991 में रिलीज होने वाली 4 मूवीज़ कुल मिलाकर 9,20,00,000 का कलेक्शन कर पाती हैं। और व्यूअर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 2.5 किलो के हाथ यानी सनी देओल की। तो सनी देओल 1991 में 4 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से विष्णु देवा, शंकरा, योद्धा और नरसिम्हा ये 4 मूवीज़ उनकी 1991 में रिलीज हुई थी। विष्णु देवा ये फिल्म 3,90,00,000 का कलेक्शन करके एवरेज रही। शंकरा मूवी 3,92,00,000 का कलेक्शन करके बिलो एवरेज रही। योद्धा मूवी 2,45,00,000 के कलेक्शन की फ्लॉप रही। और नरसिम्हा मूवी 5,25,00,000 के कलेक्शन करके हिट साबित होती है। तो इस तरह 1991 में सनी देओल की 4 मूवीज़ कुल मिलाकर 15,47,00,000 के कलेक्शन कर पाती हैं। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं संजय दत्त की। तो संजय दत्त 1991 में 7 मूवीज़ का हिस्सा रहे, जिनमें से फतेह, साजन, दो मतवाले, खून का कर्ज, कुर्बानी रंग लाएगी, योद्धा और सड़क जैसी मूवीज़ में उन्होंने काम किया था। तो बात करें फतेह मूवी की तो ये फिल्म 1,80,00,000 के कलेक्शन करके एवरेज रहती है।
साजन मूवी 10 करोड़ का कलेक्शन किया ब्लॉकबस्टर रही। दो मतवाले 1 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन किए फ्लॉप रही। खून का कर्ज 3 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन किए इस फिल्म ने फ्लॉप रही। और कुर्बानी रंग लाएगी ये फिल्म 1 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन करके फ्लॉप रहती है। योद्धा मूवी 2 करोड़ 45 लाख के कलेक्शन की और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। और सड़क मूवी की बात करें तो इस फिल्म ने 6 करोड़ के कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। तो इस तरह संजय दत्त की 7 मूवीज कुल मिलाकर 25 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करती है 1991 में। और कलेक्शन के एतबार से 1991 में संजय दत्त की मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन करती है, यानी 25 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करके संजय दत्त नंबर 1 पर आते हैं। और व्यूअर कलेक्शन के एतबार से आज की इस लिस्ट में यानी 1991 के एक्टर्स को सॉर्ट करें तो नंबर 1 पर आते हैं संजय दत्त 25 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किए इनकी मूवीज़ ने। सलमान खान की मूवीज़ ने 21 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए सेकंड नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर रहे अमिताभ बच्चन सर जिनकी 19 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन किए मूवीज़ ने 1991 में। चौथे नंबर पर है सनी देओल जिनकी मूवीज़ ने 15 करोड़ 47 लाख के कलेक्शन किए। पाँचवें नंबर पर है गोविंद सर जिनकी मूवीज़ ने 13 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन किए। जे की श्रॉफ छठे, मिथुन चक्रवर्ती सातवें, धर्मेंद्र सर आठवें, विनोद खन्ना सर नवें नंबर पर, अनिल कपूर दसवें नंबर पर है। अजय देवगन जिनकी डेब्यू मूवी इसी साल रिलीज हुई थी, एक ही फिल्म की अजय देवगन ने, जिस फिल्म ने 6 करोड़ 70 लाख के कलेक्शन किए और 11वें नंबर पर रहे। जितेंद्र सर जो कि पिछले साल दूसरे नंबर पर थे यहाँ पे 12वें नंबर पर है, 6 करोड़ 5 लाख के कलेक्शन किए। आमिर खान इस दफा 13वें नंबर पर है 5 करोड़ 90 लाख के कलेक्शन के साथ। और अक्षय कुमार जिनका भी इस साल डेब्यू हुआ था उनकी मूवीज ने 2 करोड़ 95 लाख के कलेक्शन किए और 14वें नंबर पर आते हैं आज की इस लिस्ट में। और फिर ये थे हमारी आज के 1991 के 14 सुपरस्टार एक्टर जिसमें नंबर 1 पर आए हैं संजय दत्त 25 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन करके इनकी मूवीज सबसे ज्यादा कलेक्शन कर पाई थी 1991 में। लेकिन आपके एतबार से आपके 1991 के सुपरस्टार एक्टर कौन से हैं कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर्स के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।